हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, तो आज क्लास 12th NCERT से जो कि आपका फिजिक्स चल रहा है, अध्याय 11 का भाग 1 बनाया जाएगा। इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट जिसको आप लोग कहते हैं। और टाइम, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, शाम 7 से 8 आपका फिजिक्स चलता है जो कि चैनल स्टडी नॉलेज है। कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा आँख की समस्या के कारण से परेशान था, इस वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। राजन सर ने आपको पढ़ाया होगा कुछ दिनों तक फिजिक्स, तो अब हम आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, नए जोश के साथ एक शुरू किया जाता है चैप्टर। तो देखिए, जो धाराएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जो विद्युत धारा होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है दृष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। दृष्ट धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, और इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। अब आता है दृष्ट धारा। ये ग्राफ देख रहे हैं दृष्ट धारा का, मतलब टाइम के साथ कोई परिवर्तन न हो, टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। वह धारा जिसके परिपथ की वोल्टता नियत हो दृष्ट धारा कहलाती है, अर्थात जिसमें समय के साथ, ऐसी धारा जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन न हो उसी को कहते हैं दृष्ट धारा। एक शब्द में सीधी सीधी बात, देख रहे हो ग्राफ सीधा जा रहा है, मतलब समय के साथ इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज होता तो ऐसे 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 टाइप का कुछ ग्राफ बनता है। तो वह धारा जिसके परिपथ की वोल्टता नियत हो दृष्ट धारा कहलाती है। जैसे बैटरी से प्राप्त धारा, जो बैटरी से आप लोग धाराएं प्राप्त करते हैं, धारा प्राप्त करते हैं, वो आपका डीसी का एक उदाहरण है, डायरेक्ट करंट का एक एग्जाम्पल है। क्या है? डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल। अब चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट के विषय में, यही तो बाबू साहब है इस चैप्टर के, इन्हीं के विषय में हमको अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट देखिए क्या होता है, वह धारा जिसमें वोल्टता और धारा का मान समय के साथ बदलता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है, तो इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, ये मैं आपका बना रहा हूं इसका ग्राफ, ये है आपका ओरिजिन, ये है आपका ऊपर वोल्टेज, नीचे है धारा, ये एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो जो ऊपर जाता है इसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, धारा का जो है शिखर मान। ये ऊपर जाता है तो पॉजिटिव रहता है और नीचे आता है तो निगेटिव रहता है, समझ रहे ना, इसको कहते हैं धारा का शिखर मान ऊपर की तरफ। ये धारा का शिखर मान है ऊपर की तरफ, ये धारा का शिखर मान है नीचे की तरफ। नीचे के लिए माइनस में यूज किया जाता है, ऊपर के लिए प्लस में, ये है प्लस ये है माइनस, ठीक। तो ये है धारा का, और देख रहे हैं समय के साथ परिवर्तन, एक बार ऊपर चक्कर मार रहा है तो एक बार नीचे चक्कर मार रहा है, समझ रहे हैं ना, ये पीरियड है, चक्कर मार रहा है, साइकिल है इसकी। तो ऐसी धारा, सीधे सीधे बात, अब आइए अपने ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात, ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते रहता है, बदलते रहता है, उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे घरों में आने वाली धारा, घरों में जो धाराएं आती हैं वो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जैसे करते हुए आती है ना, तो ऐसी धाराएं जो है कहलाती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। अब आता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा इसके शिखर मान में संबंध, तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए, एक फार्मूला है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ठीक, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब यहां पे संबंध देखिए, ये पूछा नहीं जाता आपको प्रूफ करने के लिए, लेकिन आपका ये इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, उसमें कौन क्या क्या है ये बता दे रहा हूं। ई को कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, ठीक। ई जीरो को क्या कहते हैं, जहां जीरो लगा माने मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू माने शिखर मान,
मतलब अधिकतम मान, उसी को शिखर मान या अधिकतम मान कहता है। ई जीरो माने विद्युत वाहक बल का शिखर मान, विद्युत वाहक बल का शिखर मान, शिखर मान। ठीक, ओमेगा को कहते हैं, ओमेगा होता है आपका कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। ठीक, और टी क्या है, टाइम। टी क्या है यहाँ पे, टाइम, जिसको आप लोग कहते हैं समय। तो ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। अगर इसी में तार के यन फेरे, अब देखिए ई जीरो जो होता है इसकी वैल्यू होती है यन ए बी ओमेगा, यन ए बी ओमेगा, इसकी वैल्यू होती है यन ए बी ओमेगा। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट किया जाए कोई दिक्कत होगा नहीं। तो ये कब पुट किया जाएगा, जब यन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, डब्ल्यू। तो आप लोग चाहें तो इसका यूज करके ई जीरो निकालिए, फिर वैल्यू उसमें रख के तोड़ डाल दीजिए, बस इससे भी निकाल सकते हैं आप लोग। अब देखिए एक चीज आपको बताने वाले हम लोग, जो ओमेगा टी होता है इसका ये बराबर होता है थीटा, ओमेगा टी बराबर होता है थीटा, इसको लोग कहते हैं कलांतर भी बहुत लोग कह लेते हैं, ओमेगा टी बराबर होता है थीटा। तो चाहे तो हम लोग ओमेगा टी की जगह पे थीटा रख सकते हैं, ई बराबर ई जीरो साइन थीटा, ऐसे लिख दो ई बराबर ई जीरो साइन थीटा। अब चाहे तो ई जीरो की वैल्यू यो ये पुट कर दो और थीटा के जगह पे 90 डिग्री जीरो डिग्री ये सब भी डाल सकते हैं आप। ठीक, तो थीटा की जगह अगर जीरो डिग्री डालोगे तो ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और थीटा की जगह अगर 90 डिग्री डालोगे तो ई की वैल्यू ई जीरो के बराबर होगी। चलिए हम लोग करके देखते हैं ऐसा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन है, पहला कंडीशन जब थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री हो तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई जीरो की जगह वो आपने जो मान रखा था यन ए बी ओमेगा उसको रख दो और इंटू साइन जीरो मार दो, साइन जीरो कर दोगे तो ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब दूसरा है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने पर, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यन ए बी ओमेगा इंटू साइन 90, साइन 90 का मान हो जाएगा एक। ठीक, सीधे रख दिया गया तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यन ए बी ओमेगा, और यन ए बी ओमेगा बराबर क्या है, ई जीरो की वैल्यू इन्होंने ये थी आपकी, तो ई बराबर ई जीरो के हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आप रखेंगे। देखिए, अर्थात जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है का मान न्यूनतम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है न्यूनतम, देखे लंबवत नहीं बल्कि इसको समांतर लिखिए, ये समांतर रहता है, गलत वर्डिंग लिख दिया गया है। देखिए जब समांतर रहा माने थीटा की वैल्यू जब जीरो डिग्री है तो समय विद्युत वाहक बल क्या होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है। लेकिन यही जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है, क्या होता है, लंबवत माने 90 डिग्री पे होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम, माने ये अधिकतम आया ना आपका थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये है। मतलब जब समांतर रहेगा तो न्यूनतम मान आएगा विद्युत वाहक बल का, और जब लंबवत रहेगा तो अधिकतम मान आएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, देखिए जो विद्युत वाहक बल को आपको वहां पे स्मॉल ई से दिखाया गया था वो कैपिटल ई से भी दिखाया था, विभिन्न टाइप की किताब है, विभिन्न प्रकार के मूड है, जिसका जैसे मूड किया तैसे कर दिया, तो वहां पे हमने स्मॉल लिया था, यहाँ पे कैपिटल ले रहा हूँ, तो ये आप लोग कंफ्यूज ना हुए कि ये कुछ दूसरा चीज है, ये भी विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल है एट टाइम, तात्कालिक मान है उस समय, और ये आपका शिखर मान है, पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, समझ रहे हैं ना। तो ये है, अब देखिए जैसे E बराबर E जीरो साइन ओमेगा टी एक रिलेशन निकला, वैसे ही V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी भी एक रिलेशन निकलता है। यहाँ पे V क्या है, विद्युत विभव, अब V जीरो क्या है, विद्युत विभव का प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो है शिखर मान। अब देखिए ये जो नीचे वाला इक्वेशन है इसमें क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में आर से भाग देते हैं, वी बट्टे आर बराबर क्या हो जाएगा, वी जीरो बट्टा आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब जानते हो बेटा कि वी बट्टे आर बराबर होता है आई धारा, वी बट्टे आर बराबर होता है आई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे, आई
वो आई है तो ये क्या हो जाएगा, वी जीरो लगने से ये आई जीरो हो जाएगा, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। देखिए एक रिलेशन ये भी निकल गया, तीन रिलेशन इसी प्रकार से परिभाषित होते हैं, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, और आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब जैसे आई यहां पे क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर तात्कालिक मान, और आई जीरो क्या है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान माने मैक्सिमम वैल्यू, जीरो लगने जीरो लग गया माने शिखर मान बोलिए, नहीं लगा तो तात्कालिक मान बोलिए, समझ रहे हैं ना। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं इस पे का, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं कि एक जनरेटर की आर्मेचर कुंडली में तार के 20 फेरे हैं और इसका क्षेत्रफल 0.127 वर्ग मीटर है, इसे 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में कितने वेग से घुमाया जाए। अब कोणीय वेग माने ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान 160 प्राप्त हो। तो पहले देखिए क्या क्या दिया है, एक जनरेटर की आर्मेचर कुंडली में तार के 20 फेरे, एन की वैल्यू 20 दिया है भैया, ठीक, और इसका क्षेत्रफल 0.127 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है, ठीक, इसे 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, बी की वैल्यू दिया है 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में कितने वेग से घुमाया जाए, माने ओमेगा की वैल्यू भैया पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान 160 प्राप्त हो, ई की वैल्यू, ई जीरो की वैल्यू क्या दिया है, अधिकतम मान बोल रहा है माने ई जीरो की वैल्यू दिया है 160 वोल्ट। अब देखिए आपने अभी फार्मूला पढ़ा था, ई जीरो बराबर एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा पढ़ा था आपने, ठीक, तो उस फार्मूले से सीधे ओमेगा की वैल्यू यहां पे निकाल लेना है, 160 बराबर एन की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 0.2, ए की वैल्यू 0.127 इनटू ओमेगा, हल करिए जो भी आएगा वैल्यू, ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड, कोणीय वेग है ना, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, लेकिन कोणीय वेग लग गया तो रेडियन पर सेकंड इसको बोला जाता है, ठीक। अगर पूछेगा कि कितने फेरे लगाया जाए, मतलब किस वेग से घुमाया जाए, और इसका अगर पूछ देता आपसे वो आवृत्ति, तो ओमेगा बराबर एक फार्मूला होता है 2πn, यहां से आवृत्ति आप लोग निकाल लेते 2π बटे करके, ओमेगा की वैल्यू यहां से निकल जाती है, बटे 2π डाल देते तो आवृत्ति निकाल लेते, हर्ट्ज में आ जाती है आवृत्ति, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए और ऑप्शन करें, रिजल्ट में आप लोग बताइएगा, उसको देखा जाएगा क्या रहा है आपका आंसर, ठीक। अब ऐसे भी आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं कि 40/0127 इसका आंसर आएगा, रेडियन पर सेकंड का 40/0127 इसका आंसर आएगा, मैच करा लेना, और यहां से एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 51.2, ठीक, ये जिसका दोनों आंसर आएगा वो मैच करा लेगा, यही उसका रिजल्ट हो जाएगा, जिसका नहीं आएगा वो कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा कैलकुलेशन में, तो उसको मिला लेगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए एक जनरेटर की आर्मेचर कुंडली में तार के 50 फेरे हैं तथा इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.25 वर्ग मीटर है, इसे 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में कितने तेजी से घुमाएं कि 150 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसमें मैं जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ये आप लगाएंगे, कहेंगे तो आपके लिए मैं नोटेशन देता हूं, सोल्यूशन हल नोटेशन लिख लो भैया, क्या दिया है 50 फेरे, एन की वैल्यू दिया है 50 तथा इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल, ए की वैल्यू दिया है 0.25 वर्ग मीटर, ठीक, इसे 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, बी की वैल्यू दिया है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में कितने तेजी घुमाया जाए कि 150 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। मतलब ये जो 150 दिया है, अधिकतम घुमाए कि अधिकतम, यहां पे एक शब्द रहना चाहिए था अधिकतम, ठीक, अधिकतम 150 वोल्ट का, ई जीरो की वैल्यू दिया है 150 वोल्ट। अब इसके हिसाब से आपको ओमेगा निकालना है, और एक सवाल इसमें यन भी मैं पूछ देता हूं, यन भी निकालिएगा, आवृत्ति भी आप लोग निकाल लीजिएगा फार्मूले से, ठीक है, तो इसको लगाइए, फिर चलते हैं आगे टॉपिक पे। अब देखिए आवर्तकाल टाइम पीरियड की परिभाषा डिफाइन करनी है, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल
जितने समय में पूरा करती है उस समय को आवर्त काल कहते हैं। अब साइकिल माने एक चक्कर, मतलब एक साइकिल माने एक चक्कर, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा जो है एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसी समयवा को कहते हैं आवर्त काल। एक चक्कर माने पूरा यहाँ से जहां से शुरू हुई वहीं पे आके समाप्त हो जाए, तो यही कहलाती है आपका क्या, मतलब ये ऐसे चक्कर, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं एक टाइम पीरियड होता है आपका पूरा, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक टाइम पीरियड है, तो यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक आने में जितना समय ले उसी को कहते हैं आवर्त काल। तो प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल माने एक चक्र जितने समय में पूरा करती है उस समय को कहते हैं आवर्त काल। इसका फार्मूला होता है टी बराबर 2π/ω, जहां पे ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलासिटी, कोणीय वेग। आवृत्त क्या होता है, इसी का रिसिप्रोकल, व्युत्क्रम, मतलब आवर्त काल के व्युत्क्रम को कहते हैं आवृत्ति। लेकिन यहां पे कैसे परिभाषित करना है, अब देखिए आवर्त काल और आवृत्ति में संबंध होता है n t बराबर 1 या t बराबर 1/n होता है, फार्मूला होता है ये आप लोग जान रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति को डिफाइन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्कर जितने साइकिल पूर्ण करती है उसकी आप उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। मतलब अब यहाँ पे टाइम दे दिया, एक सेकेंड में वो जितना चक्कर मार सकती है जितने राउंड घूम सकती है वही राउंडों की संख्या वही चक्करों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। क्या कहलाती है, आवृत्ति। इसे यप से दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है यप से शुरू होगा, इसलिए इसको यप से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, और यप बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/T, मतलब आवर्त काल के व्युत्क्रम का को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब टी की वैल्यू आपने क्या निकाला था, ये निकाला था, तो इसको यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये टी की वैल्यू क्या था, 2π/ω, लेकिन 1/ है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ω/2π हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं आगे टॉपिक पे। शिखर मान या आयाम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड जिसको आप लोग आयाम कहते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज अपने साम्यावस्था, साम्यावस्था माने जो विरामावस्था है, विराम में मतलब जब एक जगह रुकी रहती है उसी कहते हैं साम्यावस्था या विरामावस्था। तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज अपने साम्यावस्था के एक और अधिकतम जितना विस्थापित होती है उसे उसका शिखर मान या आयाम कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल दिखाते हैं, मान लीजिए ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, मान लो एक सिक्का है, सिक्का को अगर किसी ईंट से लटका दिया, ईंट में रस्सी बांध के सिक्का लटका दिया गया है, तो सिक्का इधर जितनी तरफ भागेगा इधर जितनी तरफ भागेगा अधिकतम वही उसका शिखर मान कहलाएगा। तो ऐसे यहाँ पे है कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये जब साम्यावस्था, ये साम्यावस्था विरामावस्था में एक जगह रुकी है तो उसके एक तरफ जितना अधिक भाग जाए, इधर या तो अधिक भागे या तो इधर अधिक भागे, यही जो अधिक भागती है अधिकतम विस्थापित होती है इसी को कहते हैं क्या, शिखर मान या आयाम। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज अपने साम्यावस्था से एक और अधिकतम जितना विस्थापित होती है उसे उसका शिखर मान या आयाम कहते हैं। धारा के शिखर मान को I0, धारा को I से दिखाते लेकिन शिखर मान है तो I0 से दिखाएंगे, जबकि वोल्टेज के शिखर मान को V0 से प्रदर्शित करते हैं, वोल्टेज का जो शिखर मान है इसको V0 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आता है कला, फेज। फेज क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान में ज्या या कोज्या के कोणांक को उसकी कला कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है E=E0 sin ωt, तो ये साइन के साथ जो ओमेगा टी लगा है ये कोणांक है, कोण के रूप में लगा है, ये कोण के रूप में लगा है, तो यही जो ओमेगा टी है इसी की वैल्यू को लोग फाई से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं थीटा से दिखाते हैं, जिसका जो मन करे वही, तो यही जो कोणांक है इसी को कहते हैं कलांतर, फेज, कला में अंतर, यही है कलांतर, इसको फाई से दिखाते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान में ज्या या कोज्या, ये तात्कालिक मान है मतलब ई की वैल्यू है ये ना, तो इसमें जो साइन लगा है ज्या या कोज्या, मतलब जो साइन लगा है उसके आगे जो लगा है कोण के रूप में ओमेगा टी, वो जो कोणांक है उसी को कहते हैं कला, उसको क्या कहते हैं, फेज, कला।
दिखाते किससे हैं, फाई से दिखाते हैं। तो ये हो गया कला की परिभाषा, यही बेसिक आपकी डिफिनेशन थी, इसी पे पूरा गेम है इस चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है न बहुत इजी है, लेकिन जो समझ गया इसके फंडामेंटल थ्योरम को वो इसका बादशाह बन जाएगा। एक बात मैं बता रहा हूँ, मतलब बेसिक से एकदम स्ट्रांग, बेसिक से एकदम स्टार्ट किया हूँ आपका, बेसिक स्ट्रांग करूंगा उसके बाद एडवांस लेवल तक चलना है। इस पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम, ये चैप्टर मेरा स्पेशली बहुत पसंदीदा है, इसको मैं बहुत मूड से पढ़ाता हूँ, ये मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है। ये हुआ इंटरफेरेंस, हुआ व्यतिकरण, ये सब तीन चार चैप्टर मेरे बहुत प्रिय है, इसको बड़े मैं अच्छे मूड से पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आप लोग एकदम बने रहिए। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए इसलिए आज के वीडियो में आपका केवल बेसिक ही कवर किया गया है। तो जिसको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए, और जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, धन्यवाद।